शादी है मेरे गांव के सामने, आसपास के गांव उजड़ गांव। और ये जितनी भी गाड़ियां हैं आप देख रहे हैं ये सामने, ये नीचे उजड़ गांव है, आप टेंट देख रहे होंगे। ये सब शादी अटेंड करने आए हैं और आज नितेर का दिन है। यहाँ सामने है गांव और ये लोग हमारे शिमला बड़कोट के लोग हैं जो आज निमंत्रण पर जा रहे हैं। शादी कल है और बारात लैंसीडाउन साइड जाएगी, यानी लैंसीडाउन जहां गढ़वाल राइफल का मुख्यालय भी है। और ये जो सामने जंगल है यहां बाघ बहुत तायत में है, यानी बाघों की संख्या इस जंगल में बहुत ज़्यादा है। ये पूरे बाराती घराती जा रहे हैं, शाम को ये लोग एंजॉय करेंगे। ये गाँव काफ़ी संपन्न है, संपन्न इन द सेंस खेती बाड़ी में। यहाँ प्याज लहसुन अदरक और बहुत सारी सब्जियाँ उगती हैं। और एक गाँव की गलियाँ बिल्कुल संकरी गलियाँ। चाची नमस्कार, और यहाँ लोगों ने मुर्गियाँ, ये देखिए आप देसी मुर्गियाँ पाल रखी हैं। यही वो स्थान है जहाँ शादी हो रही है। ये सामने शादी का टेंट है और वो सामने घर है जहाँ शादी हो रही है। कल बारात जाएगी यहाँ से। अरे सामने कुछ लोग हैं जो शायद मुझे जानते भी हैं। और ये सामने है महापा, नमस्कार नमस्कार। और ये दूल्हे राजा हैं, आप देख सकते हैं हाथ में क्या बोलते हैं इसको, कंगन। तो कल इन्हीं की बारात सजेगी, ये कल ही दूल्हा बनेंगे। हमारे पहाड़ों में अक्सर एक दिन पहले ना जाते हैं, आज न्यूतेर होते हैं। और ये कल ये बारात इन्हीं के साथ हम भी जाएंगे। जाना बहुत दूर है लैंसीडाउन, जहाँ की गढ़वाल राइफल का हेडक्वार्टर है। ये भी दिल्ली रहते हैं। इनके बड़े बेटे की शादी में तो मैं गया था, लेकिन छोटे बेटे की शादी में शायद उन्होंने बुलाया नहीं, इसलिए हाँ COVID-19 का जो इफेक्ट था उसकी वजह से शादी लोगों ने बड़े साधारण तरीके से की है। यहाँ देखिए डीजे का खास इंतजाम है। ये वो घर है जहाँ शादी हो रही है और ये सब बाराती हैं। अभी तो खैर कॉकटेल पार्टी है, लेकिन हाँ कॉकटेल पार्टी तो है ही ना, मुख्य मतलब मेन एंट्री डोर। क्या हाल है भगवंत, ठीक ठाक? हम तो पास भैया। या
और ये अक्सर हमारे यहाँ न्योता सिस्टम है। लोग इन्हें, इसको आप हिंदी में शगुन भी कह सकते हैं, तो न्योता लिखवाते हैं लोग अपने श्रद्धा अनुसार, अपने जेब के अनुसार। अरे हल्की सी लाइट सी कॉकटेल पार्टी चल रही है। रात के यहाँ पे शाम के 6 बज चुके हैं और बारात तो खैर कल जाएगी, लेकिन यहाँ पे शाम को सभी गांव वाले, आसपास के जितने भी गांव वाले हैं, सभी एंजॉय कर रहे हैं। हल्की हल्की सी लाइट पार्टी, ज्यादा नहीं लेते क्योंकि गांव बहुत दूर है, रात को घर जाना भी होता है, तो दो दो पैग लेंगे शायद यहाँ पे, बाकी जो ज्यादा लेगा वो रात को यहीं रहेगा। तो सभी को विनती है कि थोड़ा थोड़ा ही लेना। और ये हमारे साकी महाराज है, ये देखिए, ये साकी है लक्ष्मण सिंह असवाल जी। और आप यकीन करेंगे कि यहाँ पे सर्दी भी है, बहुत सर्दी, यहाँ पे बहुत ठंड है। और यहाँ पे मेरे हिसाब से तो कई पेटियाँ आई थी बोतल की, और बियर के भी अरेंजमेंट था, लेकिन लोग कहते हैं कि अब ठंड है, और ठंड के कारण ये लोग इतनी पी गए हैं कि मुझे लगता है कि कई लोग तो गधेरे आगे पीछे मिलेंगे ऐसे, कि जिनके पैर लटके हुए मिलेंगे। मैं सच्चे, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि कई लोगों को ऐसा है कि कई लोग ऐसे यहाँ पे, खासकर उत्तराखंड में, कि जब तक उनके पैर लटके ना, लकवा ना हो, तब तक वो पीते रहते हैं। अब मुझे नहीं पता वो कल खेत में मिलेंगे या किसी शेड में मिलेंगे, वो मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये तो करमबीर सिंह रावत जी हैं, ये जो देख रहे, चौड़े होके देख रहे हैं मुझे। और मैं सच्ची कह रहा हूँ, इतनी सारी बोतलें आई थी यहाँ पे, लेकिन बोतल ये देखिए, मैं आपको बता नहीं, यहाँ पे 3 टेबल लगी हुई थी, और 3 टेबल में से अब सिर्फ 1 टेबल बची, सिर्फ चने की। अब मुझे लग रहा कि मुझे भी इनके साथ बैठना पड़ेगा, चने ले लो, लेकिन चने लेने वाला कोई नहीं, कि सब आप सबको लिक्विड चाहिए यहाँ पे। एनीवे, ठंड का मौसम है, ये पहाड़ों में ठंड का मौसम है, और हर कोई इंजॉय करता है, और ठंड के मौसम में इंजॉय करना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लिमिट से, हर किसी को अपने लिमिट में रहना चाहिए। लेकिन मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि यहाँ लिमिटेशन की कोई गारंटी नहीं है। ये हमारे कहते हैं ना कि सूर्य अस्त और गढ़वाल मस्त। और हम लोग हैं इस टाइम जहरी खाल और लेंसी डाउन के बीच में। ये सारे बराती हैं,
और दूल्हे राजा पीछे बैठे हुए हैं। ये सब गाड़ियां लगी हुई हैं हमारी चारों तरफ, और ये रास्ता वे टू लेंसीरोन, जहाँ की गढ़वाल रेफल का मुख्यालय है ना, रेफल का सेंटर सेंटर, अच्छा सेंटर है। और ये लेंसीरोन, लेंसीरोन एक्चुअली जो अंग्रेजों ने बसाया था, किसी अंग्रेज का नाम था लेंसीरोन, लेंस हाँ लॉर्ड लेंसीरोन, तो उसके नाम से गांव है, तो सॉरी ये इस स्थान का नाम है। और काफ़ी अच्छी जगह है, बर्फबारी होती है यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा। ये अभी हम यहाँ पे गाड़ी रोकी हुई हमने, क्योंकि अभी हम यहाँ से हम असेंबल हो रहे हैं, असेंबल होके फिर निकलेंगे अंदर। ये सब बच्चे हैं, बच्चे लोग बड़े क्यूट लग रहे हो यार, यू आर लुकिंग वेरी 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 क्यूट। और ये दूल्हे राजा, जरा टैक्सी सर जरा उन कर। और ये दूल्हे राजा हैं मनीष असवाल ना, मनीष असवाल, और इन्हीं की बारात में हम लोग जा रहे हैं। हम लोग फाइनली इस गांव में पहुंच चुके हैं, अभी हम रोड साइड हैं। इस गांव का नाम है बरसवार, ये गांव है जहां की हम जाएंगे। अभी पेड़ों से ढका हुआ है, अभी दिख नहीं रहा है, पूरा आम के पेड़ है, लेकिन हम इसी रास्ते से होकर इस गांव में बारात लेकर ढोल नगाड़ों के साथ दौड़ेंगे भागेंगे। और मैं पहुंच चुका हूं बारात के साथ, ये आप देख रहे हैं हॉर्न, हारमोनियम, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, पता नहीं है। हम गांव की तरफ बाराती बनकर, ये सामने कह रहे हमारी फोटो खींचो, अब हमारी फोटो खींचो, ये गांव के लोग हैं, तो इनको मैं निराश नहीं करूंगा, इनको मैं निराश नहीं करूंगा, चलिए इनकी फोटो लेता हूँ। ये कच्चे रास्तों से हम बारात लेकर, हालांकि बाराती और बारात आगे निकल गई है, और ये गांव कभी अभी काफी नीचे है, हमें आते हुए चढ़ने में, चढ़ाई चढ़ने में दिक्कत आ सकती है। तो ये तोड़ कंडी बोलते हैं इसको,
रास्ता रखा हुआ है बारातियों के लिए। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये है डोली। हमारे उत्तराखंड में जो दुल्हन होती है वो इसी डोली में आती है। अब तो खैर ट्रांसपोर्टेशन हो गया है, लेकिन पहले जमाने में दुल्हन को उसके गांव से और उसके ससुराल तक ऐसी ही डोली में ले जाया करते थे। और बहुत ही रास्ता बहुत ही कठिन होता था, बहुत ही हार्ड होता था। मतलब आपने देखा होगा पहाड़ों में कितना मुश्किल होता, कितना मुश्किल जीवन था तब। लेकिन आज हर जगह रोड है तो इतनी दिक्कत नहीं होती है। ये हमारा ट्रेडिशन है, ये हमारे उत्तराखंड का ट्रेडिशन है, हमारे कस्टम है ये। अरे बात सुनो, यहाँ पे इन्होंने हल्का सा अब बाराती गांव में पहुंच चुके हैं, तो इन लोगों ने यहाँ पे हल्का लाइट चाय है और क्या है, नमकीन है, चाय च नमकीन च बिस्किट च पैन च बर्फी क्या दिखा दो नेचुरल स्पून। अरे बेटा तुम बजा रहे हो, ये देखिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये हमारे ये स्पून देखिए, ये पत्ती से पेड़ के पत्तों से स्पून बना रखा है। एनवायरनमेंट का बहुत ध्यान रखा जाता है हमारे पहाड़ में। अभी हम हल्का नाश्ता कर रहे हैं यहाँ पे, बिस्किट नमकीन और चाय के साथ में। उसके बाद थोड़ी देर बाद यहाँ से हम प्रस्थान करेंगे लड़की के घर तक, गांव तक। यहाँ ढोल दमाओं में डांस होगा, नाच होगा, कुछ लोग मस्त हैं, कुछ मदमस्त हैं। जो मदमस्त हैं वो ज्यादा डांस करेंगे और जो मस्त हैं वो कम डांस करेंगे। लेकिन डांस हम भी करेंगे, हम ना तो मस्त हैं ना मदमस्त हैं, डांस खूब करेंगे झक्के। बस मेरा कोई गिम्बल हैंडल कर लेगा, उसके बाद हम डांस करेंगे। ये बाराती अपनी पुटकी भरने में मस्त है फिलहाल। अभी हल्की पुटकी भरेंगे और नीचे जाकर ज्यादा पुटकी भरेंगे। और कहते हैं ना कि सूर्यास्त और पहाड़ी मस्त, ये बैंड वाले मस्त हो रहे हैं, ये अपनी मदिरा पान कर रहे हैं बैंड बजाने से पहले। अब मुझे लग रहा है कि कहीं ये इतना मदिरा पान न कर दे कि औरों का बैंड बजा दें। अभिनंदन, ये अभिनंदन से उन्होंने प्रेरणा ली है। इनकी मूछें आप देखिए, अरे मूसक बाजा भी बहुत अच्छा है, बैक पाइपर ये अच्छा बजाते हैं। और अब हम यहां से रवाना हो रहे हैं लड़की के घर जाने के लिए। आप ये डोली जा रही है, ये शायद दूल्हे के लिए आई थी, लेकिन दूल्हे ने मना कर दिया कि हम भाई पैदल जाएंगे, इसलिए डोली अभी खाली जा रही है। और आगे बैठेगा, अच्छा मतलब आप लगा लो कि ये डोली एक घोड़े का स्थान है, मतलब सब्स्टिट्यूट कह सकते हैं इसको आप, क्योंकि यहाँ घोड़ा मिलता नहीं है यहाँ। अच्छा हमारे पुराने कस्टम है ये, बहुत ही कुआ है ये, हमारे पुराने कस्टम है ये, हमारे रीति रिवाज हैं। थोड़ा रास्ता ये आप देखिए, ये सामने मैं दिखाता हूँ आपको, नीचे वो पंडाल लगा हुआ वहाँ पे, वही अभी हमें यहाँ से जाना है। अभी हम प्रस्थान कर रहे हैं बारात घर तक जाने के लिए। ये दूल्हे राजा है, ये गांव की बारात है हमारे, हालांकि अब तो सब मॉडर्न हो चुके हैं। पहले हमारे कस्टम ये हुआ करते थे कि दूल्हा पीतांबर वस्त्रों में होता था, यानी पीली धोती, पीला कुर्ता और लाल शॉल होता था। बहुत ही कच्चा रास्ता है जिसको कि उतरने में भी कठिनाई हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हल्का सा पैर अगर फिसल गया तो
चोट लग सकती है। पहुंच चुके हैं दुल्हन के घर। और ये बच्चियां हमें आगे नहीं आने दे रही है, यहाँ पे आने नहीं दे रही है। जब तक दूल्हा ना पहुंचे यहाँ पे, जब तक दूल्हा ना आए आगे, जब तक दूल्हा रिबन ना काटे, तब तक कोई अंदर नहीं जाएगा। तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन ये लोग मुझे आने नहीं दे रहे हैं। ये बच्चे, बच्चों परमिशन दे दो मुझे आगे। मैं शॉर्ट लेना बेटा आगे से। अरे साहब मान गए हैं, मान गए हो, लेकिन मैं तो पहले आ चुका हूँ अंदर। दोस्त बनाती हुई उनकी फोटो सेशन हो रहा है।
दूल्हे राजा मंद मंद मुस्कुराकर देख रहे हैं, अपनी दुल्हन का इंतजार कर रहे हैं। खुदा ने तुझको दिया मुझे, तुझे मैं खो नहीं सकता। मैं मर जाऊंगा अगर कहना पड़ गया ये सनम। दूल्हा और दुल्हन के बीच में कुछ ही दूरी, उसके बाद इनका मिलन होगा। बहारों का मेरी बहना है, नूर नजारों का मेरी बहना के जैसी कोई बहना नहीं। बिना बैठा हुई जाया देड़ा
विदा हो गई है। एक्चुअली पहले जमाने में दुल्हन रोती थी, लेकिन अब आज के जमाने में दुल्हन बारात विदा हो रही है। अब हम लोग जा रहे हैं अपने गांव की तरफ, घर की तरफ। बहुत ही अच्छा रहा। और थैंक यू बरसवार गांव, थैंक यू सो मच आप लोगों की हाजिर खातिर के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम लोग गांव की तरफ निकल पड़े हैं। काफी चढ़ाई भी है इधर दुल्हन के गांव से और ऊपर सड़क मार्ग तक पैदल है। खैर वैसे तो मुझे आदत हो गई है, मैं बहुत सारे मंदिरों में पैदल ही गया हूँ और इससे बहुत मुश्किल चढ़ाई चढ़ा हूँ। ये चढ़ाई भी आराम से पार हो जाएगी, लेकिन बहुत इंजॉय किया इस गांव में। इन लोग गांव के, इस गांव का नाम है बरसवार और यहां के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी मेहमान नवाजी के लिए। बच्चों के लिए ये बच्चे हैं, अपनी बहना की डोली ये लोग ऊपर तक जो है सड़क मार्ग तक पहुंचाएंगे। अभी तो अभी से रुक कर मैं मछली का बैठा था इधर है मैं काम लिखा था आपके लिए। आप सीधा पहले नहीं चल फिर क्या काम करेगा और सेपुंग नंबर जो ना। और यकीन कीजिए दुल्हन के चेहरे पे बिल्कुल भी शिकन नहीं है, बल्कि इवन की दुल्हन बहुत खुश है। मतलब हंसी हंसी विदा हो रही है दुल्हन, ये अच्छी बात है, होना भी चाहिए। पहले लोग तो बहुत रोते थे, खासकर दुल्हन बहुत रोती थी, लेकिन अब उनके चेहरे पे बिल्कुल भी शिकन नहीं है। ये देखिए दुल्हन खुशी खुशी हंसी हंसी विदा हो रही है। चलो